हेलो एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पैटर्न है उसके लिए हमने यहाँ पे दो कलर्स यूज़ किए हैं। हम इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो फंदे लेने हैं वो ऑड नंबर में लेने हैं, जैसे 21, 35, 47, इस तरह से। और देखिए, ये हमारा प्राइमरी कलर यहाँ पे वाइट है, तो हम प्राइमरी कलर से चार रोज जो है सीधी उल्टी की पहले से ही बना लिए है। देखिए हमने यहाँ पे, तो जो फिफ्थ रो है, दो रोज का ये पैटर्न है फ्रेंड्स, फिफ्थ और सिक्स रो में ही बनेगा ये। इसके लिए हमने सेकेंडरी कलर यूज करना है। देखिए, फर्स्ट स्टिच को हम इस तरह से नीडल इंसर्ट करेंगे और सेकेंडरी कलर से हम इसे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब अगले फंदे को हमने देखिए इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप कर लेना है, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच को हमने फिर से उल्टा बुनना है। जो हमारा प्राइमरी कलर है वो पीछे ही रह जाएगा, सेकेंडरी कलर से हम बुनेंगे ये वाली रो। तो इसे हमने उल्टा बुन लिया, ये हमारी राइट साइड है। अब फिर इसे स्लिप कर लिया, अगले को उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से हम एक स्लिप करते जाएंगे, एक को हम उल्टा बुनते जाएंगे, स्लिप उल्टा, स्लिप उल्टा। तो इस तरह से हम ये सारे फंदों को बुन लेंगे, स्लिप उल्टा ये स्लिप। अब लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन के टर्न कर लेना है। अब जो सिक्स रो है हमारी सेकेंडरी कलर से, ये सेकेंड रो होगी हमारी। इससे देखिए हमने क्या करना है, जो ये हमने बुने थे फंदे इस कलर से, उसे हमने उल्टा बुनते जाना है, और जो हमने स्लिप किए थे उन्हें हमने धागा पीछे ले जाकर सीधे बुनते जाना है। फिर धागा आगे लेके आएंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर इसे सीधा बुनेंगे जिसे स्लिप किया था, इसे उल्टा, इसे सीधा, इसे उल्टा, इसे सीधा, उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। देखिए, तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने जो हमारी नेक्स्ट रो है, सेवेंथ रो, उसको फिर से वाइट कलर से, जो हमारा बैकग्राउंड कलर जो भी होगा उससे बनाना है। तो अब हमने रो वन से इसे स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, यानी कि अब हम चार सिलाइयां जो है वो सीधी उल्टी की बना लेंगे। ये हमने जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे यहाँ पे व्हाइट है, तो हम यहाँ पे व्हाइट से बना लेंगे चार सिलाइयां सीधी उल्टी। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, चार रोज हमने ये बना ली है सीधी उल्टी, जैसे रो 1-4 हमने किया था वैसे ही। अब हमने जैसे कलर चेंज किया था, तो हम फिर से फिफ्थ और सिक्स रो रिपीट करेंगे, लेकिन हम चाहे तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, या हम इस सेम कलर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अलग अलग कलर्स में बनाया है, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इस तरह से आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बच्चों के कार्डिगन्स में, स्वेटर्स में, फ्रॉक्स में, कैप्स में, इवन अपने कार्डिगन्स में भी आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। इसे एक बार जरूर आप ट्राई करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।